दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्त्री हो या पुरुष नाम अक्षर से जानिए रन प्रश्न। इस विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि। जिन लोगों की राशि मेष है उन लोगों के लिए मेष सिंह या धनु राशि के साथ ही सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। मेष राशि के लोगों के लिए कुंभ तुला या मिथुन राशि के साथ ही सामान्य रहते हैं। इनका प्रेम प्रसंग आपसी तालमेल पर अधिक निर्भर रहता है। वृष कन्या या मकर राशि के लोगों के साथ मेष राशि का प्रेम प्रसंग सफल नहीं होने की संभावना 50-50% रहती है। इन्हें सफलता भी मिल सकती है या असफल भी हो सकते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए वृश्चिक मीन या कर्क राशि के साथ ही उत्तम नहीं माने गए हैं। इनके प्रेम प्रसंग की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी राशि हमारी वृषभ राशि। वृष राशि के लोगों के लिए वृष कन्या या मकर राशि के साथ ही श्रेष्ठ होते हैं। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि वृष है और वह कर्क राशि या वृश्चिक या मीन राशि का साथी चुनना चाहता है तो यह जोड़ी सामान्य रहेगी। जिन लोगों की राशि वृष है उनके लिए मेष सिंह या धनु राशि के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग सफल होने की संभावना 50-50% होती है। वृष राशि के लोग मिथुन तुला या कुंभ राशि के साथ जोड़ी बनना श्रेष्ठ नहीं होता। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए मिथुन तुला या कुंभ राशि के साथ ही श्रेष्ठ होते हैं। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि मिथुन है और वह मेष धनु या सिंह राशि का साथी चुनना चाहता है तो यह जोड़ी सामान्य रहेगी। जिन लोगों की राशि मिथुन है उनके लिए कर्क वृश्चिक या मीन राशि के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग सफल होने की संभावना 50-50% होती है। मिथुन राशि के लिए वृश्चिक कन्या या मकर राशि के साथ जोड़ी बनना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। चौथी राशि हमारी कर्क राशि। जिन लोगों की राशि कर्क है उन लोगों के लिए कर्क वृश्चिक या मीन राशि के साथ ही श्रेष्ठ है। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। कर्क राशि के लोगों के लिए वृष कन्या या मकर राशि के साथ ही सामान्य रहते हैं। इनका प्रेम प्रसंग आपसी तालमेल पर अधिक निर्भर रहता है। मिथुन राशि तुला राशि कुंभ राशि के लोगों के साथ कर्क राशि का प्रेम प्रसंग सफल होने की संभावना 50-50% रहती है। इन्हें सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी। कर्क राशि के लोगों के लिए मेष सिंह या धनु राशि के साथ ही उत्तम नहीं माने गए। इनके प्रेम प्रसंग की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। पांचवी राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए मेष सिंह धनु राशि के साथ ही श्रेष्ठ होते हैं। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि सिंह है और वह मिथुन तुला या कुंभ राशि का साथी चुनना चाहता है तो यह जोड़ी सामान्य रहेगी। जिन लोगों की राशि सिंह है उनके लिए वृष कन्या या मकर राशि के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग सफल होने की संभावना 50-50% होती है। सिंह राशि के लिए कर्क वृश्चिक या मीन राशि के साथ जोड़ी बनना श्रेष्ठ नहीं माना गया। हमारी छठवीं राशि हमारी कन्या राशि। इन लोगों की राशि कन्या है उन लोगों के लिए वृष कन्या या मकर राशि के साथ ही श्रेष्ठ रहते हैं। इनका प्रेम प्रसंग उत्तम रहता है। कन्या राशि के लोगों के लिए कर्क वृश्चिक या मीन राशि के साथ ही श्रेष्ठ सामान्य रहते हैं। इनका प्रेम प्रसंग आपसी तालमेल पर निर्भर रहता है। मेष राशि सिंह राशि और धनु राशि लोगों के साथ कन्या राशि का प्रेम प्रसंग सफल होने की 50-50% संभावना रहती है। इन्हें सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी। कर्क राशि के लोगों के लिए मिथुन राशि तुला राशि कुंभ राशि के साथ उत्तम नहीं माना गया। इनके प्रेम प्रसंग की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों ये था मेरा आज की 6 राशियों का प्रेम प्रसंग। किस राशि के साथ कौन सी राशि के प्रेम प्रसंग अच्छे रहते हैं तो दोस्तों आगे की जानकारी मैं बाकी 6 राशियों की नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली 6 राशियों के बारे में भी आपको पता चल सके
और भी आपको काफी सारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।